नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। जिले में 66 साल की बुजुर्ग जिनका नाम गोविंद श्रीवास है, जुनून सिर्फ सिवनी जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। बुजुर्ग होते हुए भी साइकिल पर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगाकर हर रास्ते चौराहे पर प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और आम जन को मेडिकल कॉलेज भवन जिले में कितना जरूरी है ये बताते हैं। जानकारी में मेडिकल कॉलेज भवन 2 वर्ष पूर्व भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिवनी विधायक, सांसद और आमजन के समक्ष हुआ है। जिस समय भूमि पूजन हुआ था उस समय भाजपा पार्टी सक्रिय थी और आज तक भाजपा सक्रिय है, पर पार्टी ने किस उद्देश्य से सिवनी में मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है ये आज तक आमजन को समझ नहीं आया था। कुछ समय से बुजुर्ग ने साइकिल पर पोस्टर लगाकर जनप्रतिनिधि को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिले वासियों को मेडिकल कॉलेज के लिए जागरूक करते नजर आ रहे हैं। यह काम नव युवकों को करना चाहिए था, पर एक बुजुर्ग संघर्ष करते दिख रहे हैं। इनका जुनून देखकर लोग तरह तरह की बातें करते नजर आते हैं, पर जुनून तो जुनून है। आप सिवनी में मेडिकल कॉलेज के लिए साइकिल में पोस्टर लगाकर जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, इसको आपको क्या समझ में आ रहा है? अब सिवनी की जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो स्थिति बनेगी कि बच्चा बच्चा सड़क पे आएगा और अपने हक की लड़ाई सड़कों में आके लड़ेगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अति शीघ्र मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं कराते तो ये स्थिति बनेगी। इसकी तमाम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय और सिवनी विधायक श्री मुनमुन राय जी के ऊपर होगी। अच्छा, ये लगभग 2 साल हो गया भूमि पूजन के। जी साहब, मगर यहाँ के जो विधायक है, सांसद हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका एक कारण है, जहाँ तक मेरा ऐसा ख्याल है, कि जो भूमि पूजन हुआ था वो विधि सम्मत नहीं था। मैंने RTI से वो कागज निकाला हूँ, 300 करोड़ रुपया सैंक्शन हुए थे और उसकी अंतिम लाइन में लिखा था धन उपलब्धता की आधार पर। माने धन नहीं है तो फिर काम नहीं है। अभी भी शांत और वो सर उद्घाटन भर कर रहे हैं BJP की पार्टी, उस पर क्या बताएंगे? मुझे तो यही लग रहा है कि पत्थर गड़ाओ आगे चलो, पत्थर गड़ाओ आगे चलो, और जनता उसमें ठोकर खाते रहेगी। तो आपको क्या लगता है, सिवनी की जनता जाग रही कि नहीं जाग रही? बहुत तीव्र गति से जाग रही है साहब, बहुत तीव्र गति से जाग रही है। उनको एहसास हो गया ना कि मेडिकल कॉलेज सिवनी जिले की एक लाइफ लाइन होगी, अगर लाइफ लाइन नहीं बनी तो बहुत दुख होगा, बहुत संकट होगा। नहीं, आप जो प्रचार कर रहे हैं, आपकी जो बुजुर्ग है अभी, आप उम्र मेरे हिसाब से 50 के ऊपर होगी आप। मेरी 66 साल की उम्र है साहब, इसके बाद भी आप मेडिकल कॉलेज के लिए प्रचार कर रहे हैं? मेरे को ये जुनून है, मैं भले ही मर जाऊं पर आने वाली पीढ़ी इसका लाभ ले, ये मेरा कहना है और ये मेरी भावना है और मेरी कमजोरी इसमें आड़े नहीं आएगी किसी कीमत। समय जगत के लिए सिवनी से ब्यूरो नरेन सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.